बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, हमेशा कामयाबी और कामरानी आप लोगों के कदम से मैं जहाँ रहूँ हमेशा खुश रहो, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखो जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत मज़ेदार सा हम इलायची की केक बनाएंगे, जो कि मैं अपनी देवरानी को बनाना सिखाऊंगी। मैं साथ साथ हमारी रेसिपी भी बन जाएगी और मैंने मुझे की केक बनाना भी सिखा दूँगी। जी तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें हमने 1.5 कप मैदा लिया है, इसे मैंने छान लिया है 1.5 कप मैदे को, और इसमें 3 एग्स आएंगे, और इसमें 1.5 कप ही हम इसमें ये शुगर है, मैंने इसे पीसी हुई शुगर रखी हुई है, इसमें 1.5 कप हम शुगर ऐड करेंगे, और 1/2 कप इसमें दही जाएगा, और 1.5 कप भी ये कुकिंग ऑयल है, इसमें से हम 1.5 कप जो है वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इस कप से हम मेजरमेंट करेंगे, हमारे चीनी और मैदा है और जो कुकिंग ऑयल है इसकी क्वांटिटी जो है जो प्रॉपर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो केक है वो बहुत मज़ेदार सा और फ्लफी सा बनेगा। और इसमें हम एक चुटकी के करीब, 1-2 चुटकी जी आप अपने जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगता है वो आप डालेंगे। मैं इसमें 2 चुटकी की जो है वह नमक ऐड करूँगी। और जो हमारा जो इलायची केक है, इसमें हम ये इलायची मैंने ये नज़र आ रही होंगी आपको, मैंने इसे पीस कर इस तरह से एक रखा हुआ है डिब्बे में। तो इसमें हम 1/4 टीस्पून जो है इलायची पाउडर इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारे पास 1.5 टीस्पून जो है हम इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। मैं ये बेकिंग पाउडर बहुत अच्छी सल कंपनी का होता है, ये उसमें यूज़ करेंगे 1.5 टीस्पून। और ये गार्निश के लिए कुछ हम ऊपर से जो लगाएंगे, ये कोट है मेरे पास, ये हम लगाएंगे। आइए तो हम अपनी रेसिपी को जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसमें अपने जो हमारा बाउल है इसमें हम 1-1 करके 3 जो एग्स हैं ये डालेंगे। ये तो फ्रेंड्स, हमने ये 3 एग्स हैं 1-1 करके अपने इस बाउल में ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से अपनी विक की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, कम से कम इसे 5 से 7 मिनट जो है इसे बीट करेंगे। जी फ्रेंड्स, जो हमारे तीनों हमने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इस तरह की कंडीशन में आ गया। अब हम इसमें अपनी 1.5 कप जो है वो चीनी ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से हम फिर मिक्स करेंगे, क्योंकि ये यकजान हो जाए तो फिर हम इसमें 1/2 कप और डालेंगे चीनी। जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1.5 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 कप मैंने डाल दिया है, 1/2 कप हम बाद में डालेंगे। इससे पहले हम अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट इसे अच्छी तरह से हम इसको इसकी मदद से इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमने 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया था, अब हम इसमें 1/2 कप जो है वो और डालेंगे, और इसे फिर 5 से 7 मिनट इसे हम फिर अच्छे से बीट करेंगे, और फिर इसमें हम 1/2 कप दही ऐड करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमारा जो कुकिंग ऑयल और चीनी गंडे हैं अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं, आप इसमें 1/2 कप जो है वो दही ऐड कर देंगे, और फिर इसे अच्छे से हम और 5 मिनट के करीब इसे फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। फ्रेंड्स, ये हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, इस कंडीशन में आ गई हैं। अब हम सबसे पहले अपना जो हमारा जो मोल्ड है, जो भी हमने चमचा लेना है, वो जिसमें हमने अपने केक को बेक करना है, वो हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है फिर इसमें शामिल करके हम मिक्स करेंगे। हम इस बाउल में बनाएंगे अपना केक, इसको बेक करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा जो कुकिंग ऑयल है वो लगा के अच्छी तरह से इसके चारों साइडों पे सारे अच्छी तरह से लगा लेंगे। हमने अपने जो बाउल में इसमें हमने अपने केक को बेक करना है, इसमें अच्छी तरह से मैंने कुकिंग ऑयल जो है बीट कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसमें अच्छी तरह से इसे निकाल लेंगे मैदे को, ताकि हमारा जो केक है वो जल्दी से जब हम बन जाए तो बाहर निकालने में आसानी हो। जी तो फ्रेंड्स, हमारा जो मैदा है इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था सनी की मदद से। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे,
ये 1 टीस्पून हो गया और 1/2 टीस्पून हम इसमें और ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून जो है ये इलायची पाउडर, जो किसी भी इलायची होती है वो सब्ज़ इलायची, वो मैं ऐड करूँगी। और तकरीबन 2 चुटकी के बराबर हम इसमें नमक जो है वो ऐड करेंगे। अब इसे भी मैं अच्छे से छान लूँगी। जो हमारे बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर और जो नमक है इसे हम अच्छी से तरह से इस मैदे में मिक्स कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, हम अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने जो मैदा है वाला मिक्सर है इसमें हम अपने मेल्ट इंग्रेडिएंट्स वाला जो मिक्सर है इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमने एक साथ ही इसमें नहीं डालना, हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। जी तो जो हमारा आखिरी थोड़ा सा बचा है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे हम अच्छे तरह से इसकी मदद से मिक्स कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसमें मैदा डालकर तकरीबन 5 से 7 मिनट फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि ये अच्छी तरह से जान हो जाए। अब ये इस तरह की कंडीशन में आ गया है। हमने ये पहले से अपना बाउल जो है वो तैयार करके रखा हुआ था घी और मैदा लगा के, आप इसमें अपना जो है ये केक का बैटर जो है वो डाल देंगे। जी फ्रेंड्स, हमने अब उसके बैटर को इसमें डाल दिया है। हम इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से अच्छे से टाइट करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स होते हैं वो खत्म हो जाएँ और हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से फ्लफी सा जो है वो बेक हो जाए। जी फ्रेंड्स, हमारा जो मोल्ड है अब तैयार हो चुका है। जो हमारा केक का जो बैटर था जो हमने बना लिया, अब हम इसमें इसे रखते हैं बेक करने के लिए। जी फ्रेंड्स, हमने जो कुकर रखा हुआ था ऊपर घी उठाने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, अब हम इसमें अपना जो ये केक का ये हमारा बाउल है ये इसमें रख देंगे और कुकर को हम बंद कर देंगे जल्दी से, क्योंकि हमने ज़्यादा देर इसे खुला नहीं छोड़ना। जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट बेक करेंगे और फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा जो केक है कितना मज़ेदार और फ्लफी सा रेडी हुआ है। जी तो फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा फ्लफी सा लेची की केक जो है वो तैयार है। तो अब इसे हम बाहर निकालेंगे और फिर इसे हम बाउल से आपको बाहर निकाल के सर्व करके आप लोगों को दिखाते हैं काट कर भी। आई होप आप लोगों को हमारा ये मज़ेदार सा फ्लफी सा लेची की केक जो है वो पसंद आएगा। जी तो फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा लेची केक जो है वो तैयार है। इतना मज़ेदार, इतना यम्मी को इतना फ्लफी सा बना है कि आई होप आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। तो आइए अब हम इसको आपको काट के दिखाते हैं कि ये कितना मज़ेदार और कितना फ्लफी सा बना है। अभी ये खासा गर्म है और बहुत मज़ेदार सा बहुत यम्मी सा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट है, कितना नरम है। तो आई होप आप लोगों को हमारे लिए केक की रेसिपी पसंद आएगी। जो हमने फोट लगाए थे वो फोट से आपको नज़र आ रहे होंगे वो बिल्कुल एकदम सेंटर में चले गए हैं, लेकिन यहाँ भी ये अच्छे लगेंगे और बहुत मज़ेदार से लगेंगे। तो अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कितना मज़ेदार बना है। ये देखिए कितना मज़ेदार है, कितना सॉफ्ट है। इस तरह का केक बना के रखे हैं तो जब भी कहीं मेहमान आते हैं तो यूज़ करने पर आप चाय के साथ उन्हें सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी बना है। मुझे तो मज़ा आ गया खा के एक बाइट लेके ही। आई होप आप लोगों को भी ये मेरा इलायची टी केक जो है वो पसंद आएगा। अब मुझे अपने चैनल शायद फूड मसाला से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।